गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर sp3d एंड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने sp2 और sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है इस पर डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट जो संघनन का प्रकार है वो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल तथा एक डी ऑर्बिटल आपस में मिक्स्ड होकर मिश्रित होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा व आकृति युक्त 5 नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। कक्षक संकरित कक्षक और ये जो प्रक्रिया हो sp3d संकरण कहलाती है। sp3d संकरण के अंदर टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे वो प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 जो प्लेनर ऑर्बिटल है इसके परपेंडिकुलर होते हैं। अतः इसकी जो ज्यामिति होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर यानी सॉरी ट्राइगोनल द्विपिरामिड त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 2 प्रकार का होगा। एक जिसमें ट्राइगोनल प्लेनर जो एटम्स होते हैं वो आपस में 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 2 एटम जो कि इसके परपेंडिकुलर होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसलिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 120 का और 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल दो पी ऑर्बिटल सॉरी 3 पी ऑर्बिटल तथा एक डी ऑर्बिटल। आपस में मिश्रित होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा व आकृति युक्त 5 नए संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। इन्हें sp3d संकृत कक्षक तथा यह प्रक्रिया sp3d संकरण कहलाती है। तो
sp3 dihybridization के अंदर 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल एंड 1d ऑर्बिटल आपस में मिक्स्ड होकर एनर्जी का एक्सचेंज कर सेम एनर्जी और से युक्त 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। उन हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये जो फिनोमिना है इसको sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो इसके अंदर डिफरेंट भिन्न-भिन्न आकृति के और भिन्न-भिन्न ऊर्जा के एक s कक्षक है, 3p कक्षक है और एक d कक्षक, इनके आपस में मिक्सिंग होगी, एनर्जी एक्सचेंज होगा और उसके बाद सेम एनर्जी और सेम शेप की 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे जो कि आपस में ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल बाईपिरामिडल एंड त्रिकोणीय द्विपिरामिड ज्यामिति होती है। इनके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है, बंध कोण होता है, ₹120 एंड ₹90 का। फॉर एग्जाम्पल PCl5 है, PF5 है, PBr5 है, AsF5 है, AsCl5 है, एटसेट्रा। इन कंपाउंड्स के अंदर, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब देखिए हम इसकी PCl5 की बात करें तो इसमें किस प्रकार से sp3 हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, नियंत्रक 10, 3s और उसके बाद 3p, 3s2 हो जाएगा, 3p3 हो जाएगा। अब इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो फास्फोरस ग्राउंड स्टेट के अंदर 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p ऑर्बिटल के अंदर भी 3 इलेक्ट्रॉन और आगे 3d ऑर्बिटल जो होता है वो वैकेंट होता है। थ्री एस, 3p एंड 3d। अब यहां पर s ऑर्बिटल के अंदर ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फास्फोरस इन एक्साइटेड स्टेट उत्तेजित अवस्था के अंदर 3s ऑर्बिटल में से 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर
3D के अंदर चला जाता है। तो यहां से 3s ऑर्बिटल में sp1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के 3D के अंदर, तो आप देखें प्रत्येक ऑर्बिटल में s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p के अंदर भी प्रत्येक ऑर्बिटल के अंदर 1 1 इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन है वो d ऑर्बिटल के अंदर पर है। अब ये फास्फोरस क्या करेगा, इसके साथ में 5 फ्लोरीन एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं, तो फ्लोरीन एक्सेप्ट 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सी एल एटम एंड फ्रॉम पी सी एल 5 मॉलिक्यूल। अब यहां पर प्रत्येक ऑर्बिटल में एक क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर 5 सिग्मा बंद बना देता है, एक सी एल एटम एस ऑर्बिटल के साथ अपना इलेक्ट्रॉन देगा, 3 क्लोरीन परमाणु 3p ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन देकर के 3 सिग्मा बंद और एक डी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के साथ सिग्मा बंद बने। इस प्रकार से आप देखें हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक एस ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, अतः हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। प्रत्येक क्लोरीन परमाणु अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देकर के फास्फोरस के साथ 5 सिग्मा बंद बना देता है। तो इस प्रकार से फास्फोरस एटम सेंट्रल एटम होता और इससे 3 क्लोरीन परमाणु ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ में 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। उसके बाद में 2 Cl एटम ट्राइगोनल प्लेनर के परपेंडिकुलर इस प्रकार से एक पिरामिड ऊपर की ओर और दूसरा पिरामिड नीचे की तरफ, तो इसकी जो ज्यामिति वो कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल और बॉन्ड एंगल इसका 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहां पर ये जो एक्सियल पोजीशन पर अक्षीय स्थिति पर उपस्थित क्लोरीन परमाणु होता है वो सीएल के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस प्रकार से sp3d संकरण के अंदर इसकी जो ज्यामिति होती है वो
त्रिकोणीय द्विपिरामिड ट्राइगोनल बाईपिरामिडल और बॉन्ड एंगल 120 एंड 90 डिग्री का होता है। तो ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन, एक बार पुनः देख लीजिए, sp3d संकरण के अंदर एक s कक्षक, तीन p कक्षक और एक d कक्षक आपस में मिश्रित होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा व आकृति युक्त पांच नए हाइब्रिड ऑर्बिटल संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। इन्हें sp3d संकरित कक्षक और ये प्रक्रिया sp3d संकरण कहलाती है। sp3d संकरण के अंदर ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है और बंध कोण इसके अंदर 120 और 90 डिग्री का होता है। फॉर एग्जांपल pcl5, pf5, pbr5, asf5, ascl5 ये सारे कंपाउंड्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब यहाँ अपन बात करें pcl5 की, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियंत्रक 10, उसके बाद 3s2, 3p3। आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ग्राउंड स्टेट के अंदर s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और p ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स, आगे d जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट है। अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर s ऑर्बिटल में प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के d ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है। उसके बाद में फास्फोरस के साथ में 5 क्लोरीन एटम से बॉन्ड बनाने आएंगे, तो प्रत्येक क्लोरीन एटम अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देकर फास्फोरस के साथ में 5 सिग्मा बंध का फॉर्मेशन कर लेंगे। आप देख रहे हैं फास्फोरस एक्सेप्ट 5 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरीन एटम एंड फ्रॉम 5 pcl5 मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, तो ये संकरण क्या हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d संकरण हो जाएगा। अब इसकी जो ज्यामिति है, इस तरह से त्रिकोणीय तीन मॉलिक्यूल, तीन एटम जो हो गए फास्फोरस के साथ में, तीन क्लोरीन परमाणु त्रिकोणीय समतलीय संरचना बनाएंगे और 2 क्लोरीन परमाणु एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ द्विपिरामिड का निर्माण करते हैं। इस तरह से इसकी जो ज्यामिति हो जाती है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिड ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो जाती है। अब यहाँ पर तीन क्लोरीन परमाणु जो कि इक्वेटोरियल पोजिशन पर है, उनके बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, और दो जो एक्सियल पोजीशन पर है उनके अंदर जो परपेंडिकुलर होते हैं इसके साथ में, वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखिए इसमें इस तरह से ज्यामिति होती है, जैसे ये बॉन्ड है, बीच में फास्फोरस एटम होता है सेंट्रल एटम के बीच में, और ये फास्फोरस एक सीएल के साथ, दूसरे सीएल के साथ और तीसरे सीएल के साथ में, इस प्रकार से इसमें तीन ट्राइगोनल प्लेनर ज्यामिति बनेगी। ये जो इसके बीच का बॉन्ड एंगल होगा वह कितना होगा, 120 डिग्री का। ये जो बॉन्ड्स होते हैं तीन जो प्लेन के अंदर है, इसको हम इक्वाटोरियल बॉन्ड, निरक्षीय बंध कहा जाता है। अब इसका एक जो क्लोरीन एटम होगा वो ऊपर और दूसरा क्लोरीन परमाणु होगा वो नीचे की तरफ। ये जो क्लोरीन परमाणु होगा वो इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जो बॉन्ड होता है ऊपर वाला नीचे वाला, इसको हम एक्सियल बॉन्ड कहा जाता है, अक्षीय बंध कहा जाता है। हमेशा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल के अंदर जो एक्सियल बॉन्ड होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ इस इक्वेटोरियल बॉन्ड की तुलना में हमेशा ज्यादा होती है। ये बॉन्ड क्योंकि इनके अंदर इक्वेटोरियल जो बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होता है, जबकि इसके अंदर बहुत कम होता है, तो ये बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा और निरक्षीय जो पोजिशन वाले बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो इस प्रकार से जो PCl5 मॉलिक्यूल है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्यामिति बनाता है और इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड 90 डिग्री का होता है। अब हम बात करें नेक्स्ट sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर
एक एस ऑर्बिटल होता है, तीन पी ऑर्बिटल और दो डी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर एनर्जी ट्रांसफर करके सेम एनर्जी और सेम युक्त छह नए sp3 d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। इसको हम sp3 d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये फिनोमिना sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। तो sp3 d2 संक्रमण के अंदर एक s कक्षक और तीन p कक्षक और दो d कक्षक भाग लेते हैं, जो आपस में मिश्रित होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर समान ऊर्जा व आकृति युक्त छह नए sp3 d2 संक्रमित कक्षक का निर्माण करेंगे। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? sp3 d2 संक्रमण कहलाती है। sp3 d2 संक्रमण के अंदर जो ज्यामिति होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, अष्टफलक की होती है, यानी बीच में केंद्रीय जो सेंट्रल एटम है वो रहेगा, उससे छह सराउंडिंग एटम अष्टफलक संरचना के रूप में जुड़े हुए रहते हैं और सारे के सारे बॉन्ड डिस्टेंस इक्वल होती है और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। ये प्लेनर जो स्ट्रक्चर हो गया इसके, उसके बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का, और दो जो इसके एक्सियल बॉन्ड है वो भी इनके साथ में परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो सारी जो बॉन्ड लेंथ होती है इसके अंदर इक्वल होती है। यहाँ पर जो d2 ऑर्बिटल्स होता है उसके दो ऑर्बिटल्स होते हैं, dx² - dy² और dz² जो ऑर्बिटल्स होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है। इसके अलावा p ऑर्बिटल के तीनों px py और pz तथा एक s ऑर्बिटल जो कि आपस में इंटरमिक्स होंगे। इन एग्जांपल देखिए, इसमें sf6 है, alf6 2- है, pf6- है, icl5 है, hcl4 है, तो इन सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब यहाँ एक बात करें अपन एग्जाम्पल sf6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड की, तो यहाँ देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया 3s2 3p4, आउटर मोस्ट सेल के अंदर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें ग्राउंड स्टेट के अंदर सल्फर के s ऑर्बिटल के अंदर 3s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3p ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। अब जैसे ही यहाँ पर फ्लोरीन एटम्स इसके साथ बंध बनाने आएगा तो पहले ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा सल्फर परमाणु, और एक्साइटेड स्टेट के अंदर सल्फर के एस ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन और पी ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन, जो पैड इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर के 3d ऑर्बिटल के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद में 6 फ्लोरीन एटम प्रत्येक ऑर्बिटल के साथ में एक-एक इलेक्ट्रॉन लेकर 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, जिसमें आप देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक एस ऑर्बिटल, तीन पी ऑर्बिटल और दो ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 d2 हो जाएगा। और ज्यामिति के अंदर आप देख रहे हैं इस प्रकार, सेंट्रल के अंदर सल्फर एटम और उससे 6 सराउंडिंग एटम फ्लोरीन अष्टफलकीय संरचना के रूप में जुड़े होते हैं, जिनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर ये फ्लोरीन एटम इस तरह से अष्टफलक का निर्माण करेंगे। तो इसकी जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है? अष्टफलकीय ज्यामिति होती है। तो ये था sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें sf6 है इसका एग्जांपल, जिसके आधार पर हमने किस तरह से ये इसकी जो ज्यामिति और बंध कोण है वो दर्शाता है। अब हम नेक्स्ट अगले वीडियोस में sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन, d2 dsp2 हाइब्रिडाइजेशन और d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस पर आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।